उत्तराखंड के नैनीताल में पिछले कुछ दिनों से लगी आग लगातार बढ़ती जा रही है। जंगलों पर आग का लगना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसका रीजन कहीं न कहीं हीट वेव हो सकता है। सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा तेज हो गई कि डायरेक्ट सूखी चीजों पर आग लग जा रही है। इनफेक्ट गर्मी इतनी ज्यादा है कि दिल्ली जैसे शहरों में 47 डिग्री टेम्परेचर लोगों को पिघला रहा है। पिछले 142 सालों में यह सबसे गर्म साल होने वाला है, जिसमें हमने और आपने तो जैसे तैसे अप्रैल को पार कर लिया है, लेकिन मई और जून अभी बाकी है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि गर्मी के दिनों में ही इतने ज्यादा पावर कट क्यों होते हैं, तो आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। India's Met Department has issued heat wave warning. Several places in India are likely to suffer from humid heat waves in the next few days. सबसे पहले इस इमेज को देखिए। सैटेलाइट से देखने पर भारत का इमेज कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। जितने भी सारे भारत के अंदर रेड रेड एरिया दिखाई दे रहे हैं, वे सारे हीट वेव की वजह से दिख रहे हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब, ओमान, सूडान और अफ्रीका के कई सारे देशों में से सबसे ज्यादा गर्म भारत है। हीट वेव ने भारत में रहने वाले सभी लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है। मगर आप सोच रहे होंगे कि ये हीट वेव क्या है और इससे हमें क्या नुकसान पहुंचेगा। जब नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गर्म होती है, तो उसे हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो आमतौर पर 2 या 2 से अधिक दिनों तक रहती है। इनफेक्ट ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। इन दिनों देश के कई हिस्से हीटवेव यानी लू के चपेट में है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 16 अप्रैल को नवी मुंबई में 12 लोगों की जान चली गई हीट स्ट्रोक की वजह से। रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिक डिपार्टमेंट के एक रिपोर्ट के अनुसार 2 से 3 दिनों के लिए इन राज्यों को रेड अलर्ट जोन में रखा गया है, जिसमें से आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा शामिल है। इन राज्यों में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां लू के चलते कई लोगों की मौत होने का दावा किया गया है। इनफेक्ट इस साल गर्मी की वजह से सबसे ज्यादा मौत उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में हुई है। इसी बीच हीट वेव के असर को देखते हुए कई सारे राज्यों ने समर वेकेशन की तारीख को बदल दिया है। इनफेक्ट मैं जिस राज्य में रहता हूँ, वहाँ का टेम्परेचर 44 डिग्री से ऊपर चला गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा गर्मी है। आखिर हीट वेव इतनी ज्यादा डेंजर क्यों होती है? पिछले 20 सालों में पूरे वर्ल्ड में लगभग 1,66,000 लोगों की मौत हीट वेव की वजह से हुई है। शिकागो में 1995 में हीट वेव ने 1952 लोगों की जान ले ली थी और 3,000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे, जिनमें से आधे से ज्यादा लोग एक साल के अंदर ही मर गए। और ऐसा ही सेम हाल भारत में 2015 में देखने को मिला था, जहाँ 2500 से ज्यादा लोग मर गए थे हीट वेव की वजह से। और पिछले साल यूरोप में 61,600 लोगों की मौत हो गई थी इसी हीट वेव के कारण। साल 2021 में देश के मौसम वैज्ञानिक के द्वारा एक रिसर्च पेपर रिलीज किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 1971 से 2019 तक यानी तकरीबन 50 सालों में मौसम के अलग अलग घटनाओं में 141,308 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 17,362 लोगों की मौत सिर्फ लू के कारण ही हुई थी। समर में हम गर्मी से बचने के लिए कूलर या फिर एसी को चला देते हैं, जिन्हें चलाने के लिए पावर की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। भारत में 71% पावर केवल कोयले की मदद से ही जनरेट किया जाता है, यानी पावर को अधिक बनाने के लिए लोगों को गर्मी के अंदर और गर्मी झेलनी पड़ती है। लेकिन गर्मी के दिनों में घरों के अंदर कूलर या फिर एसी को चलाना आम बात हो गया है, जिसकी वजह से पावर की कमी हो जाती है। इनफेक्ट पावर स्टेशनों पर काफी ज्यादा लोड पड़ता है, जिनमें खराबी, शॉर्ट सर्किट, फेस डाउन जैसे कई सारे चीजों का सामना करना पड़ता है, और इसी के चलते अक्सर गर्मी के दिनों में ही पावर कट होते हैं।